हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दिन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री एमएचआई 101 के असाइनमेंट को सॉल्व करने वाले हैं। ये असाइनमेंट जुलाई 2023 सेशन के लिए और जनवरी 2024 सेशन के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि जुलाई 2023 सेशन से एमए हिस्ट्री के कोर्स में कुछ बदलाव किया गया। पहले जो एमए हिस्ट्री का कोर्स आप पढ़ते थे वो एनुअल मोड के अंदर में आपको पढ़ने के लिए मिलता था, पर अभी आपको जुलाई 2023 सेशन से आपको सेमेस्टर मोड के अंदर में पढ़ने के लिए मिलेगा और सिलेबस के अंदर में भी कुछ चीजें चेंज की गई हैं। तो ये आपका नया जो सेमेस्टर मोड का सिलेबस है एमए हिस्ट्री का, उसके हिसाब से असाइनमेंट डिजाइन किया गया है। पहले के असाइनमेंट के हिसाब से इस असाइनमेंट के अंदर में काफी परिवर्तन भी आपको देखने के लिए मिलने वाला है। साथ साथ में मैं बात करूँ यहाँ पर, जो इग्नू के अंदर में असाइनमेंट बनाया जाता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सभी स्टूडेंट के लिए। इंपॉर्टेंट क्यों होता है, तो उसके दो रीजन होते हैं। पहला रीजन और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ये रहता है कि जो भी असाइनमेंट में आपके नंबर मिलेंगे वो आपके फाइनल मार्क्स के अंदर में जुड़ते हैं, ठीक है। तो उसके नंबर, उसके असाइनमेंट के नंबर के कारण से आपका जो फाइनल रिजल्ट बनता है वो बूस्टअप होता है, नंबर उसके अंदर में अच्छे बन जाते हैं, ठीक है, आपके ग्रेड अच्छे बन जाते हैं, ठीक है। तो इसके कारण से ये इंपॉर्टेंट रहता है। दूसरा इंपॉर्टेंट होने का रीजन ये भी रहता है कि अगर आप अच्छे से असाइनमेंट को सॉल्व करते हो, अच्छे से तैयारी करते हो, तो एक तरह से आप अपने एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो, क्योंकि एक तरह से जो ब्लूप्रिंट है ना आपके एग्जाम का वो प्रॉपर असाइनमेंट के अंदर में देखने के लिए आपको मिल जाता है। सेम इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और सेम इसी तरीके से असाइनमेंट के अंदर में भी आते हैं। कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं होता क्वेश्चन पेपर के अंदर में एग्जाम के और असाइनमेंट के। ये आपका बुक है एमएचआई 101, जिस बुक का नाम है आपके प्राचीन और मध्ययुगीन समाज। यहाँ पे हम बात करेंगे कि प्राचीन काल में किस तरह समाज के अंदर में परिवर्तन हुआ, क्या क्या चीजें किस तरह से बदली। टोटल इस असाइनमेंट का जो नंबर होता है वो 100 नंबर का पेपर होता है आपका। आपका एग्जाम के अंदर में भी जो पेपर आएगा वो 100 नंबर का रहने वाला है। साथ साथ में यहाँ पे जो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई गई है कि 5 क्वेश्चन ही सॉल्व करने होते हैं, पर मैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है सभी को मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप असाइनमेंट लिखोगे, अपना क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे एग्जाम के टाइम पे, तो आपको याद रखना है कि आपको वर्ड लिमिट हमेशा फॉलो करना है। हर एक क्वेश्चन का जो भी आप आंसर लिखोगे आपको वर्ड लिमिट के अंदर में लिखना होता है। 500 वर्ड के अंदर में ही आंसर कंप्लीट करना होता है। अगर आप 500 वर्ड से कम में आंसर लिखते हो तो भी आपको नंबर प्रॉपर नहीं मिलने वाले हैं। अगर आप ज्यादा लिखते हो तो भी आपको नंबर प्रॉपर नहीं मिलने वाला है। इससे ऊपर में कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। अगर आप ये देखोगे इन सब पेजेस के अंदर में कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखा है, जो मैंने पहले एक वीडियो के अंदर में करवा चुका हूं। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें, क्योंकि अगर आप प्रॉपर एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके असाइनमेंट को बनाओगे तो बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। 80-85-90 के करीब में आप टारगेट लेके चलोगे तो अच्छे नंबर गेन करोगे, और जितना ज्यादा अच्छा नंबर आपके असाइनमेंट में आएगा उतने ज्यादा नंबर आपके फाइनल एग्जाम के अंदर में असाइनमेंट से जोड़ा जाएगा आपके उसके फाइनल रिजल्ट के लिए। किस तरह से नंबर जोड़ा जाता है तो उसका पैटर्न भी होता है 30% और 40% 70% का। 30% आपके असाइनमेंट से नंबर ऐड किए जाते हैं और 70% आपके एग्जाम के नंबर ऐड किए जाते हैं, फिर जाकर आपका 100% फाइनल रिजल्ट बनता है। तो उसके लिए 30% जब जितने ज्यादा अच्छे होंगे, जितने ज्यादा आपके असाइनमेंट में नंबर अच्छे आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और डिटेल में यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ आपको, जो पहला क्वेश्चन है कि उत्तरी और मध्य चीन के शांग सभ्यता के ऊपर एक टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी लिखना भैया शांग सभ्यता के ऊपर में, उत्तरी और मध्य चीन के। अब शांग सभ्यता है क्या, तो चीन के जो नवपाषाण संस्कृति है ना उसकी आरंभ 600 ईसा पूर्व के आसपास में मानी जाती है कि 600 ईसा पूर्व के आसपास में हुई। काश्य युग का जो प्रारंभ था, ठीक है, वो शिया राजवंश के शासनकाल के अंदर में हुआ था। चीन के शिया शासनकाल के अंदर में हुआ। जो शिया वंश था उसके बाद में शांग वंश का उदय हुआ और शांग वंश के नाम पर ही इस सभ्यता का नाम पड़ता है शांग सभ्यता। शांग वंश के नाम पर ही क्यों पड़ा, क्योंकि जो भी पुरातत्व विभाग के द्वारा जो भी खुदाई की गई, जो भी चीजें ढूंढी गई, खोजी गई, तो उसमें ज्यादातर जो साक्ष्यों के प्रमाण मिले वो शांग वंश के ही मिले। जितने भी पुरातात्विक स्रोत मिले, जितने भी पुरातात्विक चीजें प्राप्त हुई वो शांग वंश के ही मिले। शांग जो पूरा उस समय जो वंशावली चल रही थी उनकी, जो उस समय का टाइम पीरियड चल रहा था, जो उनका प्रशासन व्यवस्था था वो चल रहा था, उसी समय की चीजें प्रमाण के तौर पर लिया गया है, तो जिसके कारण से इसे सांग सभ्यता कहा जाता है उस टाइम पीरियड के कारण से, ठीक है। तो ये चीजें देखा जाता है। उसके बाद अगर आप बात करोगे इसके अंदर में, तो साहित्यिक लेखन का प्रमाण यहाँ पे मिलता है सांग सभ्यता के अंदर में। राजनीतिक एकता का आधार भी यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अधिकांश जो स्थल था हुआंग के यांगतेज नदी के किनारे में विकसित हुआ, ठीक है। ये जो नदी था इसको पीली नदी के नाम से भी जाना जाता था, पीला कलर का इसका पानी होता था, इसको यांगतेज नदी कहा जाता था। और जो पूरा शहर था हुआंग हो के नाम से जाना जाता था, हुआंग हो के नाम से पूरा शहर जाना जाता था। जो हुआंग हो शहर है वो यांगतेज नदी के किनारे बसा हुआ था। पूर्वी समुद्र तट के और यांगतेज नदी के घाटी में चावलों की खेती की जाती थी। जो सन के रेशे होते थे उसका यहाँ पे निर्माण किया जाता था और सन के रेशों से वस्त्रों का निर्माण किया जाता था,
हड्डी और पत्थरों से उपकरण बनाए जाते थे, औजार बनाए जाते थे, इनसे वो कृषि कार्य के लिए भी इसका उपयोग किया करते थे। पशुपालन का उतना ज्यादा महत्व नहीं था, विशेष महत्व नहीं था, पशुपालन किया जाता था पर उसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, कृषि पर जोर दिया जाता था, बाकी जो अन्य कार्य होते थे उस पर जोर दिया जाता था, और कृषि कार्यों के लिए जो निर्भरता होती थी, यांगतेज नदी जो है उस पर निर्भरता रहती थी, यहाँ पे सबसे ज्यादा चावल की खेती की जाती थी, कपड़ों के लिए रेशे का उपयोग किया जाता था, जो सन के रेशे होते हैं उसका उपयोग किया जाता था। तो ये आपका पहला क्वेश्चन होने वाला है। मैं यहाँ पे बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन के अंदर में क्या आंसर लिख सकते हो, और ये आइडिया देने की जरूरत क्यों है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में है उनके पास अभी बुक नहीं होगा कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्या आंसर बन सकता है, तो उनको पता नहीं चलेगा कि किस चैप्टर में से उठाया गया है, किस चैप्टर में से नहीं उठाया गया है, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होने वाला है। तो इसके कारण से मैं यहाँ पे आपको बताते हुए चल रहा हूँ जिससे आपका ईजी हो, ठीक है, समझ में आता है। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है जिसमें हम बात करते हैं कि प्राचीन यूनान में लोकतंत्र और संक्रमण का संक्षिप्त विवरण दीजिए। यूनान के अंदर में लोकतंत्र किस प्रकार से फैला भैया, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो, लोकतंत्र जब फैलता है, जब ना लोग उसके लिए फैलता है, या फिर मतलब किस तरह से शुरुआत होता है, विवरण किस तरह से फैला, संक्रमण किस तरह से हुआ लोकतंत्र का, तो उसका मेन रीजन क्या होता है कि जब लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं, किसी चीज को लेकर आपत्ति जताते हैं कि भैया ये नहीं है, इस तरह से होना चाहिए था, तो जब लोग अपना मत रखते हैं ना, अपना विचार रखते हैं, तो उसके बाद वहां से लोकतंत्र का आगाज शुरू हो जाता है। तो यूनान के अंदर में आप देखोगे तो जो संप्रभात वर्ग था, जो किसान वर्ग था, आपस में संघर्ष होता है। इनके बीच में संघर्ष होने का रीजन क्या होता है कि अगर आप देखोगे जो भूपति लोग होते थे, जो अभिजात वर्ग थे, जो संप्रभात वर्ग थे, वो काफी ज्यादा संपन्न वर्ग थे और वो कर का बोझ डालते थे किसानों के ऊपर में। जो लेबर वर्ग था, जो मजदूर वर्ग था, उनके ऊपर में कर का बोझ पड़ता था, उनसे बेकार में कार्य किया जाता था। बेकार होता क्या है, मुफ्त में कार्य करवाना, पैसा ना देना, बेकार कार्य कहलाता है, ठीक है। साथ साथ में जैसे किसान जो होते थे उनकी स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी, जिस तरह से देखा जाता है कि संप्रभात वर्ग का, अभिजात वर्ग का जो स्थिति मजबूत थी, पर किसानों की स्थिति मजबूत नहीं थी। भूमि और राजनीतिक ढांचों पे जो था एकाधिकार के तौर पे कार्य किया जाता था, जहां पे संप्रभात वर्ग जो और अभिजात वर्ग था उनका अधिकार होता था, अधिपत होता था राजनीति पे, भूमि पे, ठीक है। जो छोटे किसान होते थे उनकी दुर्दशा ऐसी थी, उनकी समस्याएं का सारी सामना करना पड़ रहा था। किस प्रकार की दुर्दशा थी, तो उनको भूखे मरने पड़ रहे थे, भूखा रहना पड़ रहा था, क्योंकि वो जो उनका जितना भी उपज होता था वो टैक्स के रूप में चला जाता था, कर के रूप में चला जाता था, जिसके बाद उनको खाने की आफत आ जाती थी। उनको उपज करने के लिए, उपज पैदावार करने के लिए ऋण का बोझ उठाना पड़ता था, ऋण लेना पड़ता था, उधारी लेना पड़ता था, और उधारी भी किससे लेते थे, वो भूपतियों से ही लेते थे, जो जमींदार होते थे उनसे ही लेते थे, अभिजात वर्गों से ही लेते थे। बाद में वो ज्यादा ब्याज के तौर पर उन्हें चुकाना पड़ता था और उन्हें ऋण देना पड़ता था, जिसके बदले में उनकी भूमि भी उनसे छीन जाती थी, ठीक है। किसानों की उनकी जमीन भी उनसे छीन ली जाती थी और राजनीतिक सत्ता में उनकी भागीदारी नहीं होती थी, ठीक है। इन सब प्रॉब्लम्स को देखा जाता है ना, तो उसके बाद यहाँ पे विरोध होना शुरू होता है, संप्रभात वर्ग से यहाँ पे मांग शुरू हो जाती है, अलग अलग जगह पे विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं, और उसके बाद अभिजात वर्ग क्या होता है, एक तरह से जो अभिजात वर्गों के खिलाफ में प्रॉपर किसानों का विद्रोह, खिलाफत शुरू हो जाता है और किसान उनके विद्रोह में उतर जाते हैं, उनके खिलाफ उतर जाते हैं, जिसके बाद से कई जगह पे देखे जैसे देखोगे यूनान के अंदर में अलग अलग जगहों पे किसानों को अधिकार दिया जाने लगा, किसानों को ऋण माफ किया जाने लगा, भूमि को वापस किया जाने लगा, तो अलग अलग तरह के कार्य किए गए और यहां से देखा जाता है कि लोकतंत्र की शुरुआत हो जाती है। इसमें सबसे पहला कार्य अगर आप देखोगे तो ऋण से मुक्ति मिल जाता है, ठीक है। अलग अलग जगह पे मताधिकार की मांग की जाती है, समान वेतन की मांग की जाती है, जो मजदूर थे वो समान वेतन की मांग करने लगे थे, ठीक है। महिलाओं की भी समान भागीदारी हो काम के अंदर में, इसकी बात की जा रही थी। जो दास प्रथा था उससे किस तरह से मुक्ति मिले उसकी बात की जा रही थी। जैसे ऋण ज्यादा होने पे भी क्या होता था, दास बना लिया जाता था, तो वो दास नहीं बने तो उसके लिए वहां पे कार्य किया जाने लगा और उसके बारे में वहां पे विरोध किया जाने लगा। जो अभिजात वर्ग था, जो संप्रभात वर्ग था, किसानों के द्वारा उनका विरोध किया गया, जिसके बाद यहां पे लोकतंत्र का संक्रमण जो लोगों के अंदर में फैलता है, ठीक है। संक्रमण मतलब एक बीमारी नहीं है, एक मतलब विचारधारा, एक सोच, जो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ये चीज होना चाहिए। लोकतंत्र है क्या, जहां पे हम बात करें लोगों की व्यवस्था हो, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं हो कि किसी एक व्यक्ति के मन की चीजें की जा रही हो, यहाँ पे लोगों की व्यवस्था हो, आप अपना मत को रख सको, आप अपने हिसाब से कार्य कर सको, वहां पे लोगों का तंत्र है, लोगों की व्यवस्था हो, तो उसको हम लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है, समझ में आता है। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 3, जहां पे हम बात करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका की सभ्यता में अर्थव्यवस्था में राजनीतिक संक्षिप्त की चर्चा कीजिए। अब देखो दक्षिण अफ्रीका की जो अर्थव्यवस्था है, व्यवस्था है, उसके अंदर में राजनीतिक और अर्थव्यवस्था का क्या रोल रहा, किस प्रकार से रोल रहा, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो दक्षिण अफ्रीका की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था के तौर पे जानी जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, जिसमें अलग अलग तरह के कार्य किए जाते हैं,
मिस्र मिक्स इकोनॉमी के अंदर में भारत के संदर्भ में जो विदेशी फॉरेन पॉलिसी हमारा, जो विदेशी हमारा फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, विदेश नीति हमारा, उसके संदर्भ में भारत भी एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, पर वहां पे कुछ अलग यहाँ पे बनकर आता है। पर जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका की सभ्यता के संदर्भ में जो अर्थव्यवस्था है और राजनीतिक संपेक्ष है, वहां पे अगर हम बोलते हैं कि ये मिश्रित अर्थव्यवस्था था, यहाँ पे कहने का मतलब ये था कि जो लोग थे ना वो डाइवर्स कार्य करते थे, एक तरह का कार्य नहीं करते थे, अलग अलग तरह के कार्यों पर निर्भर थे, ठीक है। ऐसा नहीं था कि सारे लोग किसानी कर रहे हैं तो सारे लोग किसानी कर रहे हैं, वहां पे कुछ लोग शिल्प का कार्य करते थे, कुछ लोग लोहे का कार्य करते थे, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग हिसाब से कार्य किए जाते थे। मिश्रित खेती केवल कृषि और धातु कर्म में ही शामिल नहीं था, ऐसा नहीं था सिर्फ खेती के लिए ही मिश्रित खेती है या कुछ और है, वहां पे अलग अलग तरह की चीजें कार्य किया करते थे लोग। पशुपालन और शिकारी की अपेक्षा उन्नत स्थिति ज्यादा थी, ठीक है, जो पशुपालन या फिर शिकारी का कार्य करते थे उनकी स्थिति उनके मुकाबले में दूसरों की स्थिति ज्यादा बेटर थी, ये भी देखा जाता था। बेलू जो भाषी लोग थे वो मैग्नाइट मैग्नाइट करके जो पत्थर हुआ करता था उसका वो निकाला करते थे, उसका व्यापार किया करते थे, दूर देशों में उसको ले जाकर बेचा करते थे। तांबे का उपयोग भी किया जाता था, ठीक है, वो लोहे और तांबे का उपयोग करना जानते थे। पशुपालन जो पशुपालन था ना उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस माना जाता था उनके समाज के अंदर में, पशुओं को पशुधन के तौर पर ट्रीट किया जाता था, ठीक है, पशुओं को पशुधन मानते थे कि हमारा धन है, पूरा व्यापार है, संपत्ति है, और उसको इकट्ठा किया जाता था, उसको बढ़ाया जाता था, उसको जमा किया जाता था एक तरह से। जमा करने का मतलब ये नहीं कि बैंक में ले जाके पशुओं को जानवरों को डिपॉजिट कर दिया, ऐसा नहीं, किसी के पास चार पशु है तो उसको चार से छह करना, छह से आठ करना, इस तरह से पशुओं को बढ़ाया जाता था। और अकाल की स्थिति में उनका उपयोग भी किया जाता था, जैसे कभी अकाल आया, कभी किसी तरह की प्रॉब्लम आई तो उनको मारकर खाना हो या बेचना हो, उस तरीके से भी उसका उपयोग लिया जाता था। दुल्हन को भी, जैसे शादीवादी होता था तो दुल्हन को भी पशु के मूल्य के हिसाब से मापा जाता था कि कितना मूल्य है, क्या है, किसके घर में कितने जानवर है, किसके हिसाब से क्या चीज है, तो उसके हिसाब से दुल्हन का मूल्य पशुओं से तय किया जाता था। साथ साथ में आप देखोगे कृषि में महिलाओं की भागीदारी होती थी, महिलाओं को भी समान अधिकार दिया जाता था, कृषि के जो कार्य होते थे, बाहर के जो कार्य होते थे वो महिलाओं द्वारा करवाया जाता था। तो इस तरीके से उनकी अर्थव्यवस्था चलती है, उनकी राजनीतिक भागीदारी में देखने के लिए मिल जाती है। देखो ये जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना आपके, सारे क्वेश्चन मेरे करवाए हुए हैं, चैप्टर जो नया सिलेबस है MHI 101 का वो मैंने करवाया है, ऑलमोस्ट 10 से 12 चैप्टर मैंने करवा रखा है, तो आप उन चैप्टर्स को जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट के अंदर में वो वीडियोस मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ये MHI 101 के अंदर में ही ये वाला वीडियो मैं डालूंगा, तो उसके प्लेलिस्ट के अंदर में सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि जितने भी क्वेश्चन है, चाहे यहाँ पे अपना अर्थव्यवस्था के अंदर में जो भी मैंने ये बताया कि दुल्हन का मूल्य क्या होता है, पशुधन होता क्या है, पशु को किस प्रकार से धन की तरह देखा जाता है, किस तरह से उसको जमा किया जाता है, जमा करने के पीछे रीजन क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने करवा रखे हैं वहां पे। यूनान के अंदर में लोकतंत्र व्यवस्था किस प्रकार की है, तो आपके लिए ईजी रहेगा, पूरा एक नोट्स के तरीके में है, नोट्स आपको गूगल ब्लॉगर पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर में गूगल ब्लॉगर का लिंक है, डायरेक्टली आप वहां से जाके गूगल ब्लॉगर पे से भी नोट्स डाउनलोड कर सकते हो और वहां से जाके आप डायरेक्टली देख सकते हो, पढ़ सकते हो और असाइनमेंट बनाकर सबमिट कर सकते हो। देखो असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इग्नू के अंदर में, आप ये माइंडसेट के साथ चलो कि जितना अच्छे तरीके से आप असाइनमेंट बनाओगे, असाइनमेंट की गाइडलाइंस फॉलो करके, असाइनमेंट की अगर आप गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपके लिए प्रॉब्लम होने वाली है। असाइनमेंट की गाइडलाइंस फॉलो करो, असाइनमेंट को बनाओ, अगर असाइनमेंट में आपके जितना ज्यादा अच्छे नंबर आते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बात करूँ थोड़ा सा टॉपिक सेट कर, मान लो 30% आपके असाइनमेंट से ऐड होना है आपके फाइनल एग्जाम के अंदर में, ठीक है, आपके असाइनमेंट में टोटल 40 मार्क्स ही आए तो 40 मार्क्स का 30% ऐड किया जाएगा, पर यहीं पर अगर आपके 80 मार्क्स आते हैं तो 80 मार्क्स का 30% जो बनेगा वो ऐड किया जाएगा, तो ज्यादा कौन हुआ, 40% वाला, 40 नंबर वाला या 80 नंबर वाला, तो 80 नंबर वाले के लिए तैयारी करो ना भैया, 80 नंबर आएंगे और इजी होता है असाइनमेंट में नाला, ऐसा नहीं कि आपको देख के नहीं लिखना, नकल मार के लिखना है, किसी और से मत लिखवाओ पहली बात, ठीक है, कहीं से नकल मत मारो, बुक से भी पढ़ रहे हो ना तो पढ़कर अच्छे तरीके से सोचकर पूरा ब्लू प्रिंट बनाकर पॉइंट्स की तरह यूज करके, ठीक है, एक एक तरीके के अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। मुझे असाइनमेंट सॉल्व करवाने की जरूरत नहीं थी, पर ये प्लस पॉइंट ये रहता है असाइनमेंट सॉल्व करने का कि आपके जो एग्जाम की तैयारी भी इससे अच्छी हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि एग्जाम में अलग पूछा जाता है, क्वेश्चन सारे यही रहते हैं, बस हल्का सा पैटर्न चेंज हो जाता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो जाता है, बाकी क्वेश्चन सेम ही आते हैं और आपका जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट होने में यहाँ पे हेल्प करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम बात करते हैं परिवर्तित रोमन साम्राज्य में विभिन्न धार्मिक परंपराओं की व्याख्या कीजिए। रोमन साम्राज्य के अंदर में अलग अलग तरह की कौन सी धार्मिक व्याख्याएं थी, परंपराएं थी, उसके बारे में मैं बात करूं तो रोमन साम्राज्य के अंदर में आप देखोगे तो वहां पर ईसाई धर्म अपनाया गया, उसके पीछे मेन रीजन क्या था, तो डर माना गया, जो भी शासक थे वो डर के कारण, भय के कारण से इन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया। भय के कारण से ईसाई धर्म को अपनाने का रीजन क्या था कि जैसे जो भी शासक थे ना उनके मन में कहीं ना कहीं ये आ गया था कि अगर हम ईसाई धर्म को नहीं अपनाते हैं
तो ईसाई धर्म बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, लोकप्रिय हो रहा है लोगों के अंदर में। कहीं लोग ईसाई धर्म की बातों में ना जाएं, कहीं लोग हमारे विरुद्ध विरोध ना कर दें, तो जिसके कारण से जो शासक थे उनके मन में डर था। ठीक है, उनकी जो ईसाई धर्म की जो बातें होती थी ना, जो उनकी आइडियोलॉजी थी, वो लोगों के मन में बैठ रही थी कि क्या आइडियोलॉजी है, किस तरीके से रखना चाहिए, क्या मतलब, पूरी तरह लोगों के मन में घर कर रहा था, जिसके बाद यहाँ पे ईसाई धर्म को अपनाया गया। ठीक है, समझ में आता है। तो यहाँ पे ईसाई धर्म शासकों के द्वारा लागू किया गया। रोमन साम्राज्य में जो लोग थे उन्होंने ईसाई धर्म को अपनाना आरंभ किया। शासकों ने ईसाई धर्म को प्रमुख धर्म के तौर पे प्रमोट किया, उनको माना प्रमुख धर्म के तौर पे, और तीसरी शताब्दी तक ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का सबसे लोकप्रिय धर्म के तौर पर जाना गया। ईसाई का जो मत था ना, जो वहाँ पे आइडियोलॉजी थी, प्यार का संदेश फैलाना, लोगों के अंदर में ये जो आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा पसंद की जा रही थी कि इनका जो आइडियोलॉजी है कि प्यार का संदेश पहुंचाना, वो बहुत ज्यादा वैल्यूबल देखा जा रहा था। रोमन साम्राज्य के अंदर में इसका व्यापक विस्तार हुआ, इस धर्म का जो इसकी आइडियोलॉजी है इसका व्यापक विस्तार किया गया। रोमन जो शासक थे वो धर्म का संरक्षण के तौर पे जाने गए। ठीक है, वो धर्म को प्रमोट करते थे, उसका संरक्षण करते थे, इसके तौर पे जाने गए। यह धर्म राजधर्म के तौर पे ट्रीट किया गया। ठीक है, राजधर्म के तौर पे माना गया। शासकों द्वारा इसकी लोकप्रियता को दबाने का भी प्रयास किया गया कि इसकी लोकप्रियता जो है इसको दबाया जाए, किसी तरीके से इसको प्रेशराइज किया जाए। इसका रीजन क्या था ना, लोकप्रियता को दबाने का, ईसाई धर्म का। जब ईसाई धर्म बहुत ज्यादा ग्रो करने लगा, लोग बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में जुड़ने लगे, और ईसाई धर्म के द्वारा जो मेन अधिकारी होते थे, प्रमुख अधिकारी होते थे जो ईसाई धर्म को चला रहे थे, उनके द्वारा जो भी कुछ बोला जाता था लोग उन्हें एक्सेप्ट करते थे, तो जो भी शासक था उसको ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि यार ये हमारे खिलाफ उतर आए। ठीक है, ये हमसे ज्यादा आगे बढ़ रहे, तो इसके कारण से भी ईसाई धर्म के को जो लोकप्रियता था उसको दबाने का कोशिश किया गया शासकों के द्वारा में, उसके ऊपर में लगाम लगाने की कोशिश की गई शासकों के द्वारा में। ठीक है, समझ में आता है। इसको राज्य के प्रमुख धर्म के तौर पर विस्तार किया गया, और ईसाई धर्म तीसरी और चौथी शताब्दी के अंदर में ईसाई धर्म के विस्तार की प्रक्रिया स्टार्ट की गई। ठीक है, और जहां जहां यहाँ पे ना साथ साथ में रोमन साम्राज्य की सीमा का विस्तार होता था, जैसे जैसे ईसाई धर्म विस्तार किया वैसे वैसे रोमन साम्राज्य की सीमा का भी विस्तार हुआ। ठीक है, यहाँ पे सीमा का विस्तार किस प्रकार से हो रहा है, अगर मान लो आप इस क्षेत्र में राज करते हो, इस क्षेत्र आपका इतना बड़ा क्षेत्र है, इसके अंदर में आप शासन करते हो, पर ईसाई धर्म का आपका धीरे 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 बगल के क्षेत्रों में भी फैल गया, बगल के क्षेत्रों में भी विस्तार कर गया, तो आप धीरे धीरे क्या करोगे, अपनी सीमा का विस्तार इजिली कर सकते हो, क्योंकि इधर के लोग भी आपके धर्म से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे इजिली विस्तार किया जा सकता है। ये उनकी आइडियोलॉजी थी और इसके बेसिस पे ही उन्होंने अपना विस्तार आरंभ किया। ठीक है, समझ में आता है। और इनका मोटिव भी ये था ना कि ईसाई धर्म के अंदर में परिवर्तित करवाना, लोगों को ईसाई धर्म अपनाना। ठीक है, ईसाई धर्म का जितनी ज्यादा प्रचार प्रसार किया जा सके, इस तरह का मोटिव स्टार्ट होता है और ईसाई धर्म को प्रमोट किया जाता है। ठीक है, समझ में आता है। ये जो आपका चौथा क्वेश्चन हो जाता है, पांचवा क्वेश्चन आपका टिप्पणी का रहता है, तो टिप्पणी वाले में कोई ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। ठीक है, मैंने कन्फ्यूज बात को कल एक वीडियो बनाया था चीन के चैप्टर के ऊपर में, यूनिट 12 का, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग में यूनिट 12 का मैंने चैप्टर पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने कन्फ्यूज बात पढ़ा रखा है, तो आप वहां से देख सकते हो, और गूगल ब्लॉगर पे इसका पूरा जो सॉफ्ट कॉपी है वो भी मिल जाएगा, वहां से आप उसको पढ़ सकते हो, नोट्स आपसे गूगल ब्लॉगर पे है। पशुपालन खाना बदोस क्या होता है, ये पहले ही आपको मैंने बता रखा है। मक्का शहर का उदय कैसे हुआ, ये अरब साम्राज्य वाले चैप्टर के अंदर मैंने करवा रखा है। पारसी धर्म को किसी और वीडियो के अंदर में हम डिस्कस करेंगे। तो ये वाला जो यूनिट ये है, टिप्पणी लिखने वाला क्वेश्चन है, यूनिट क्वेश्चन नंबर 5, ये इजी क्वेश्चन, आप इसको इजीली कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है आपका सामंतवाद, सामंतवाद के प्रमुख अगर बहसों की बात करोगे, कौन कौन से बहस हुए, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके तीन चैप्टर चार चैप्टर बनकर आते हैं सामंतवाद के, आपको चारों चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसके अंदर में बात क्या करो, सबसे पहले देखो, जब भी हम ना आंसर लिखते हैं ना, तो क्या होता है हम क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाए। मैं आपको हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो, ज्यादा से ज्यादा असाइनमेंट को सॉल्व करो और अपने आप सॉल्व करो। ऐसा नहीं कि आप किसी और पे डिपेंड हो गए, किसी का नोट्स देख रहे हो, किसी का कुछ कर रहे हो। ठीक है, जब चीज समझ में आए तब आप किसी के पास जाओ, पूछो, देखो, पर अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो। ज्यादातर टाइम ना हम क्वेश्चन को बहुत अच्छा आंसर लिखकर आते हैं, जो भी क्वेश्चन हमने पढ़ा उसका आंसर बहुत अच्छा लिखकर आते हैं और हमारे अकॉर्डिंग नंबर भी अच्छे मिलने चाहिए। पर प्रॉब्लम क्या होता है ना कि हमने क्वेश्चन ही गलत समझते हैं। अगर आप क्वेश्चन ही गलत समझ रहे हो तो आंसर भी गलत दोगे। यहाँ पे जब ये क्वेश्चन है, मैंने कई सारे स्टूडेंट्स के जो मेरे जहाँ पे पढ़ते हैं, तो मैंने देखा जो असाइनमेंट बना रहे इस क्वेश्चन का, ऑलमोस्ट ज्यादातर स्टूडेंट ने आंसर गलत लिखा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सामंतवाद पर प्रमुख बहसों, जो बहस हुआ, डिबेट हुआ, उस पर एक टिप्पणी लिखना है। बहस किस प्रकार का, कौन बहस कर रहा भैया, तो जो भी इतिहासकार हैं, ठीक है, जो भी विचारक हैं, जो सामंतवाद के ऊपर अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, तो उनका आपस में बहस हुआ कि भैया ये नहीं ऐसा होना चाहिए था, ये नहीं ऐसा होना चाहिए था, सामंतवाद ये नहीं ऐसा होता है, तो वो जो डिबेट था ना उसके बारे में आपको बताना है, ना कि सामंतवाद के बारे में बताना है। ठीक है, तो ज्यादातर जो मेरे स्टूडेंट थे उन्होंने क्या लिख रखा था, सामंतवाद है क्या, सामंतवाद का किस तरह से विस्तार हुआ, किस तरह से पतन हुआ, वो तो बताओगे ही बताओगे, पर उससे इंपॉर्टेंट चीज पूछ रहा है कि भैया जो इतिहासकार है ना,
जो विचारक हैं उनके बारे में बताओ कि उनकी क्या बहस हुई उसके बारे में बताओ। तो क्वेश्चन को समझना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है एग्जाम में अच्छा नंबर लाने के लिए, असाइनमेंट में अच्छे नंबर लाने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते और गलत आंसर लिखकर आते हैं। अब देखो यहाँ पे जितने भी इतिहासकार हुए ना उसके बारे में आप बता सकते हो, कौन से पिरेन की अवधारणा बता सकते हो, पिरेन का अवधारणा क्या था, तो पिरेन एक बेल्जियम के इतिहासकार थे जो 1922 और 1935 के बीच में उन्होंने अपना अवधारणा रखी थी, 1922 में और 1935 में उन्होंने अपनी अवधारणा रखी थी सामंतवाद के ऊपर में। ठीक है, इनका यह मानना था कि यूरोप में जो इस्लामिक प्रसार हुआ, यूरोप में पहले इस्लाम नहीं था, ठीक है, अरब साम्राज्यों के अंदर में ही सिर्फ फैला हुआ था, पर जो यूरोप के अंदर में इस्लामिक प्रसार हुआ किस तरह से फैला, किस तरह से उसका विकास हुआ, ठीक है, और उसका सामंतवाद के ऊपर में उसका प्रभाव क्या पड़ता है, उसकी सामंतवाद से रिलेटेड अवधारणा क्या है, हेनरी पिरेनर ने बताया। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने इस तरीके से जोड़कर दिखाया कि इस्लाम का उदय, ठीक है, और इस्लाम का प्रसार, ठीक है, इस्लाम का उदय और इस्लाम का प्रसार हुआ यूरोप के अंदर में, और यूरोप के अंदर में प्रसार होने के कारण से इंपैक्ट क्या पड़ता है, किस तरह से सामंतवाद का उदय देखा जाता है, ये उन्होंने समझाने की कोशिश करी हेनरी पिरेन ने। ठीक है, यहाँ पे मार्क ब्लॉक आते हैं, दूसरे इतिहासकार जो यहाँ पे बोलते हैं फारसी इतिहासकार थे, वो फ्रांसीसी इतिहासकार, सॉरी मार्क ब्लॉक फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रांसीसी इतिहासकार के तौर पे जाने गए। इनकी विचारधारा थी कि वैधानिक विचारधारा और आर्थिक तत्वों से प्रभावित सामंतवाद की अवधारणा से अलग हटते हुए इन्होंने अपनी विचारधारा व्यक्त करी। इनसे पहले जितने भी इतिहासकार आए थे उनकी एक लिमिटेड सोच थी और एक ही रास्ते पे चल के वो बोल रहे थे, एक ही चीज बोल रहे थे, उनकी वैधानिक विचारधारा थी जो सब मानते थे यूनिवर्सल, उसी को मान के चल रहे थे। आर्थिक तत्व जो था उससे किस तरह से इंपैक्ट होता है सामंतवाद, वो उसको बताते थे। सामंतवाद की जो अवधारणा थी उससे अलग हटते हुए कुछ नया नहीं बताते थे। पर जो मार्क ब्लॉक है ना, इन चीजों से जो हर लोग एक ही चीज बता रहा था कि यार सामंतवाद का कारण क्या उदय होने का, तो आर्थिक इंपैक्ट, सामंतवाद का उदय होने का कारण क्या, तो राजनीतिक इंपैक्ट, सामंतवाद का क्या है, तो वैधानिक विचारधारा उसके कारण से उदय हुआ या उस हिसाब से फैला। पर जो मार्क ब्लॉक थे उन्होंने थोड़ा सा अलग हटकर यहाँ पे बात करते हैं। ये क्या बात करते हैं कि सामंतवाद एक ऐसा सामाजिक परिवेश है, जो सामंतवाद का एक ऐसा सामाजिक परिवेश है जिसमें भू संपदा के अधिकारों का विपण के द्वारा राजनीतिक सत्ता का विस्तार किया जाता है। ठीक है, राजनीतिक सत्ता विस्तार किस प्रकार से किया जाता है, तो जो भी जो भू संपदा है ना, जो जमीन है, ठीक है, उसके अधिकारों का विपण किसी को सौंप कर, किसी को देकर राजनीतिक सत्ता का विस्तार किया जाता है। अब देखो सामंतवाद होता क्या है, सामंतवाद को इंग्लिश में कहते हैं फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म का मतलब होता है कि छोटा सा भूमि का टुकड़ा, आपके पास बहुत बड़ी जमीन है, फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह समझो, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इस पे 10-12 जितने स्टार है ना आपके पास सब लगा दो क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान के चलो ये आपके पास जमीन का टुकड़ा है, आपके पास 50 लोगों की सेना है, सब कुछ है करने के लिए, आप राजा हो इस क्षेत्र के, मान के चलो आप यहाँ पे बैठते हो, यहाँ पे राज करते हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये मान के चलो कि यहाँ पे से आपके ऊपर हमला हो गया, इधर से हमला हो गया, आपका जब तक सेना आएगा ना, जब तक ये इतना दूर कब्जा कर चुका होगा, ठीक है, क्योंकि आप उस कोने में रहते हो, तो राजाओं ने इसका तोड़ क्या निकाला कि हम सामंत बसाएंगे। सामंत किस तरह से बसाया जाएगा भैया, कि इस वाले कोने को ना एक व्यक्ति को दे दो कि चल भैया आज से ये वाला कोना तेरा, कोना तेरा नहीं हुआ भैया, मालिक मैं ही हूं, बस तू उसको रखवाली करेगा, उसका देखभाल करेगा, उसका क्या चीजें कैसे करेगा, वो कुछ नियम शर्तों के साथ में आपको अधिकार दिया जाता है, आपको मालिकाना हक दिया जाता है कि आप उसको रेगुलेट कर सकते हो। उसके बदले में क्या दोगे आप भैया, तो मुझे जब भी जरूरत पड़ेगा तुम सैनिक दोगे, मुझे कर दोगे, टैक्स दोगे, इस क्षेत्र में जितने भी लोग रहते हैं ना उनसे टैक्स वसूल करके आप मुझे दोगे, इस तरह का कुछ नियम कानून, अलग अलग नियम कानून के तहत उसको लागू किया जाता है। भारत के अंदर में भी सामंतवाद होता है, जो सामंतवाद का क्वेश्चन आता है तो अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। कई बार क्वेश्चन ये भी बनकर आता है भारतीय सामंतवाद को बताइए, ठीक है, तो भारतीय सामंतवाद में ना दक्षिणा या दान के आधार पे सामंतवाद प्रथा शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे ब्राह्मण को जो दान दिया जाता था ना, ब्रह्मदे जिन्हें हम बोलते हैं, ब्राह्मण को दान दिए जाने वाले दान, वहां से सामंतवाद का आरंभ देखा जाता है, जमींदारों से सामंतवाद का आरंभ देखा जाता है, अलग अलग आइडियोलॉजीज यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। तो एक ये होता है यूरोपीय सामंतवाद, एक होता है सामंतवाद, तो यहाँ पे इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर में मैंने दो विचारक के बारे में बताया, पिरेन के बारे में और मार्क ब्लॉक के बारे में। जॉर्ज डूबी भी आते हैं, जो सामंतवाद की क्रांति जो होती है ना, सामंतवाद की क्रांति की अवधारणा, सॉरी, सबके सामने रखते हैं। जॉर्ज डूबी का कहना था कि सामंतवाद के अंदर में क्रांति हुई, जो बाकी जितने भी आइडियोलॉजीज थे ना सबसे अलग हटकर, सबसे अलग एंगल से उन्होंने दिखाने की कोशिश करी, इनकी अवधारणा को सामंतवादी क्रांति की अवधारणा के तौर पर जाना जाता है। फिर उसके बाद आते हैं लीट हाइट पी जूनियर करके आते हैं, लीन हाइट जूनियर के नाम से एक इतिहासकार आते हैं, जो 1962 में सामंतवादी जो समाज था उसके निर्माण और प्रौद्योगिकी की भूमिका को दिखाते हैं कि किस तरह से प्रौद्योगिकी की भूमिका इंपॉर्टेंट है सामंतवाद के निर्माण में। 1962 में इनकी अवधारणा सामने आती है।
पैरी एडरसन करके और भी इतिहासकार रहते हैं और अलग अलग इतिहासकार यहाँ पर अपनी टिप्पणी रखते हैं, और इन्हीं इतिहासकार की विचारधाराओं को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, समझ में आता है क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जहां पे हम बात करते हैं भारत के समुद्री व्यापार के विवरण के बारे में। ठीक है, पुर्तगाली व्यापार और भारतीय विदेशी व्यापार कैसा होता था उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है भारत का समुद्री व्यापार। अगर आप भारत के समुद्री व्यापार की बात करोगे तो जेनेविव करके और भूषण और डेनियस लामबर्ड करके तीन इतिहासकार थे। जेनेविव, भूषण और डेनियस लामबर्ड, ऐसा करके तीन इतिहासकार थे जिनका ये मानना था कि पुर्तगालियों के आगमन से ही पहले, पुर्तगाली जब आए उससे आगमन से पहले ही ना भारत के अंदर व्यापार किया जाता था हिंद महासागर के अंदर में। ठीक है, और व्यापार की जो मात्रा थी ऐसा नहीं था कि छोटा मोटा ऐसी व्यापार करते थे, बड़ी मात्रा में हिंद महासागर में व्यापार किया जाता था। और ये यहाँ पे नाम इनका उपयोग करने की जरूरत क्यों थी कि काफी सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि भारत, जब तक भारत की खोज नहीं हुई, जब तक वास्को डी गामा भारत नहीं आया, उससे पहले भारत क्या था, लिमिटेड था, भारत व्यापार नहीं करता था, भारत अपने दायरे में ही बंधा हुआ था। पर यहाँ पे जो जेनेविव और भूषण और डेनियस लामबर्ड करके थे, इन इतिहासकारों ने बताया भारत का जो व्यापार था वो पहले से ही फैला हुआ था हिंद महासागर के अंदर में। ठीक है, पुर्तगालियों के आने से 15वीं शताब्दी में पहले आने से पहले ही 15वीं शताब्दी के अंदर में हिंद महासागर के अंदर में व्यापार किया जाता था और बड़ी मात्रा में व्यापार किया जाता था ऐसा माना जाता है। साथ साथ में चीनी हिंदी जो महासागर है, जो चीन के जो लोग हैं वो हिंद महासागर के अंदर में 300 वर्षों से व्यापार करते आ रहे थे। गुजरात के मालाबार जो पूरा क्षेत्र है वहां पर भी प्रमुख केंद्रों के तौर पे इसको स्थापित किया गया, यहाँ पे व्यापार किया जाता था गुजरात के मालाबार क्षेत्र के अंदर में। और ये लाल सागर में प्रवेश का द्वार भी माना जाता था मालाबार क्षेत्र। ठीक है, साथ साथ में यहाँ पे देखोगे 1430 के दशक के अंदर में चीन ने एशिया तो पश्चिम का व्यापार को करना छोड़ दिया, जो पश्चिम का क्षेत्र था वहां पे व्यापार करने से चीन पीछे हट जाता है 1430 के अंदर में। गुजरात का जो मालाबार तट होता है प्रमुख केंद्रों के तौर पे स्थापित किया जाता है, ये लाल सागर के अंदर में प्रवेश का द्वार के तौर पे जाना गया। यूरोप से ही ऊनी कपड़े, रेशम, सोना, चांदी लाया जाता था, उसका आयात निर्यात किया जाता था। श्रीलंका से दाल चीनी का व्यापार किया जाता था। अगर आप बात करोगे कि पुर्तगाली व्यापारी और भारतीय विदेशी व्यापार कैसे हो रहे थे, तो 1448 में वास्को डी गामा भारत आया था। ठीक है, यहाँ पे मसालों पे एकाधिकार करने की कोशिश की गई थी, एशिया व्यापार पे वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की गई थी, सामरिक महत्व कायम करने की कोशिश की गई थी सैनिक तौर पर। ठीक है, हथियारों का लेन देन अलग अलग तरीके से यहाँ पे व्यापार किया जाता था वास्को डी गामा के टाइम पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर डिफाइन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करता हूं तो कपड़ा निर्माण अधिकांश समाजों में सबसे पुराने शिल्पों में से एक है। ठीक है, कपड़ा निर्माण के ऊपर में आ जाता है क्वेश्चन कि कपड़ा निर्माण है क्या भैया, कैसे बढ़ा? तो कपड़ा निर्माण की अगर आप बात करते हो ना, तो यहाँ पे कपड़ा निर्माण ना व्यापार की प्रकृति एक समान नहीं थी, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से निर्माण किया जाता था, मतलब व्यापार अलग तरीके से किया जाता था। यूरोपीय, स्थानीय और अंतर क्षेत्रीय व्यापार अलग अलग तरीके से किए जाते थे। व्यापार की वस्तुओं को कृषिगत तथा खाद्य उत्पाद की वस्तुओं के व्यापार के साथ में ही काउंट किया जाता था। विलासिता की वस्तुएं यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है आपको कपड़ा व्यापार के अंदर में। बहुमूल्य पत्थर आदि का व्यापार किया जाता था, घोड़ा, हथियार। ठीक है, दास व्यापार की प्रमुख विशेषता यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। और भूमध्य सागरीय उत्पादन कपड़ा, शराब और अनाज के आदि भी एशिया पूर्वी अफ्रीका में बेचते थे, ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिल जाती है। देखो कपड़ा व्यापार के तौर पे ना, जैसे आप देखोगे सान के कपड़े बनाए जाते थे। ठीक है, मैंने ऊपर में भी आपको बताया था सान के कपड़े बनाए जाते थे, रेशम का उपयोग किया जाता था। भारत के अंदर में उच्च क्वालिटी के रेशम होते थे, चीन के अंदर में रेशम होते थे। ठीक है, तो इनके यहाँ से भी रेशम का व्यापार इधर से एक जगह से दूसरी जगह किया जाता था। और किस तरह से उसका उपयोग किया जाता था, पहले शिल्प के तौर पे जाना गया, क्योंकि इसकी जो बुनाई होती थी शिल्पकारों के अंदर में, जिस तरह से चीजों को काटा जाता है, नकाशी की जाती है, उसी तरह से यहाँ पे कपड़ों के अंदर में भी चीजें देखेगी कि समाज किस तरह से ग्रो कर रहा है। और इजी टू होता था, मतलब सबके लिए एक आसान जरिया बनता था सन का उपयोग करना, सन को लाना, सन के कपड़े बनाना, अलग अलग तरीके से उसका उपयोग करना। और बाजारों के अंदर में उसका उपलब्धता भी बहुत ज्यादा जरूरी होता था, ऐसा नहीं है कि इस चीज की मांग कम हो जाती थी। और विदेशी जो व्यापारी आए उन्होंने रेशम के कपड़ों पे, सन के कपड़ों पे बहुत ज्यादा यहाँ पे डिमांड भी बढ़ाई उन्होंने। ठीक है, इसी ये भी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे मध्यकालीन नगरों में प्रशासन, अर्थव्यवस्था और समाज की प्रमुख विशेषताओं के बारे में आ जाता है कि मध्यकाल में तीव्र गति से शहरीकरण से प्रशासन और अर्थव्यवस्था की ओर मतलब अग्रसर होता है। यहाँ पे समाज में अनेक प्रभाव देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे आप बात करते हो प्रशासन के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में और समाज के ऊपर में, उनका इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है मध्यकाल के अंदर में, क्योंकि बहुत तेजी से शहरीकरण होता है और शहरीकरण का जो इम्पैक्ट होता है वो प्रशासन व्यवस्था के ऊपर में देखने के लिए मिलता है, अर्थव्यवस्था के ऊपर में देखने के लिए मिलता है और समाज की जो मुख्य विशेषताएं होती है उसके ऊपर में भी इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिल जाता है शहरीकरण का।
आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति में भिन्न आधार यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। शहरों का विकास आर्थिक आधार पर किया जाता है, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाएं आरंभ की जाती हैं, नए सामाजिक संबंधों का विकास किया जाता है, शहरों में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों का आगमन होता है और रहते हैं। ठीक है, शहरों के वातावरण स्वतंत्र मानी जाती थी, स्वतंत्रतापूर्ण मानी जाती थी। स्वतंत्रतापूर्ण मतलब क्या कि सबके पास आजादी है, फ्रीडम है, वो जो मर्जी कर सकता है। साथ साथ में शहरों के सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक और आर्थिक जीवन अलग जब माना जाता था ग्रामीण क्षेत्रों से। ठीक है, मध्यकाल में शहरों के व्यापारिक वर्गों का वर्चस्व देखने के लिए मिल जाता है। मध्यकाल में जो शहर के अंदर में जो व्यापारिक वर्ग था उसका यहाँ पे वर्चस्व भी देखने के लिए मिल जाता है। तो इस तरीके से आपका यह नोवा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। आपका जो यहाँ पे 10वां क्वेश्चन आता है ये टिप्पणी वाला क्वेश्चन है, तो टिप्पणी वाला क्वेश्चन इजी है। ठीक है, बारूद क्रांति क्या होती है तो अभी तो मैंने पढ़ाया नहीं है, बट पीछे जो आपका ओल्ड सिलेबस है MHI 01 का, पुराने वाले बुक का, आप उसमें अगर आप देखोगे तो वहां पे मैंने करवा रखा है, तो आप वहां से देखकर इस वाले को कर सकते हो। मुद्रा प्रिंटिंग कैसे होती थी, क्या शुरुआत हुई, ये भी मैंने बर्बाद बता रखा है। व्यापारिक जो मार्ग थे वो किस प्रकार से निर्माण किया गया, बंजारे कैसे थे, ये वाला तो मैंने करवा रखा है, तो इनका उस वाले बुक से भी देखकर आप यहाँ पे लिख सकते हो और असाइनमेंट बना सकते हो। देखो असाइनमेंट की आपको वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके बताएं। कुछ अगर चीजें हैं जहां पे आपको लगता है कि हमें इंप्रूव करने की जरूरत है तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, बट रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, हम अपने गोल से बहुत ज्यादा पीछे हो चुके हैं, जो हमने एक गोल सेट किया था कुछ समय पहले कि हमारा एक गोल है अचीव करना है, बट हम उससे बहुत ज्यादा पीछे हो चुके हैं। तो मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाएं, और अगर आपको किसी और तरह की वीडियो की जरूरत है तो वो भी हमें बताएं कमेंट करके, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट करके रेज कर सकते हो अपने क्वेश्चन को, वहां पे हम उसको आंसर दे देंगे या वीडियो फॉर्म में उसको हम बनाकर आंसर देंगे आपको। एंड लास्ट रिक्वेस्ट यही रहने वाली सभी स्टूडेंट से, असाइनमेंट अच्छे से बनाएं, टाइम से सबमिट करें। असाइनमेंट आपका कब सबमिट होगा वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं, तो नव इन्फो पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं वीडियो एंड करूंगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच लिसनिंग मी। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।